Everyone, so let us start with the point that is Indian economy after independence. So immediately after independence, Indian economy faced some challenges for development. India today exhibits the characteristics of developing country with some areas of lower development and some showing much improvement. तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद यानी हमारी कंट्री से कोई आज़ादी मिलने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं डेवलपमेंट के लिए. आज भी हमारे इंडिया को एज अ डेवलपिंग कंट्री कैटेगराइज किया जाता है, जहाँ जिसमें आपको कुछ एरियाज में आपको लोअर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जबकि कुछ एरियाज में आपको कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है. Thus, in current times, we look at the characteristics of India as a developed and as a developing nation both. तो हमारे इंडिया को as a less developed nation या फिर developing nation के तौर पे अभी भी जाना जाता है. Per capita income, according to Human Development Report, the per capita income of India in 2030 at purchasing power parity was $5,150. Which was lower than that of developing countries, but also was lower than many of developing countries like China and Sri Lanka. तो यहाँ पे आपको टेबल प्रेजेंट किया गया है जिसमें अलग अलग कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम आपको प्रेजेंट किया गया है. इसमें आप देख सकते हो जैसे डेवलप्ड कंट्री जो है उनका पर कैपिटा इनकम हमारे पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में काफी हाई है. पर कैपिटा इनकम इंडिया का 2013 में $5,150 था, जबकि आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो कि दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया के कंपैरिजन में तो हाई ही था, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि चाइना और श्रीलंका, उनका भी पर कैपिटा इनकम हमारे पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में काफ़ी हाई था. जैसे चाइना का जो पर कैपिटा इनकम था वो $11,477 था और श्रीलंका का जो पर कैपिटा इनकम है वो $9,250 था. जो इंडिया के पर कैपिटा इनकम मीन्स $5,150 से काफी हाई था. हेलो एवरीवन, सो लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड पॉइंट दैट इज एग्रीकल्चर. सो इंडिया इज एन एग्रीयन नेशन. The share of agriculture sector in employment has gradually declined, but it is still relatively higher, depicting lower economic development. So, India जो है वो एक agriculture based nation है. यहाँ पे जो agriculture sector में जो employment का proportion है वो अभी वैसे decline हो रहा है, लेकिन फिर भी वो relatively higher है, जो ये दिखाता है कि हमारे country में उतना economic development नहीं हुआ. Developed nations have lesser percentage of employment in agriculture and higher earning tax. जो भी developed nation है उनका employment के area में employment के proportion जो है वो agriculture sector में कम रहता है, जबकि industrial और service sector में ज़्यादा रहता है. तो जो nation developed होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए कम रिलायड होते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे के सर्विस सेक्टर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा रिलायड रहते हैं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर. इट डिक्लाइंड टू 58% इन 2001 and 2 एंड टू 49% इन 2013 and 2014. तो इंडिपेंडेंस के बाद 72% तक का जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, जो बाद में घट के 58% तक का रह हो गया था 2001 और 2 में, और फिर घट के 49% तक पहुंच गया था 2013 और 14 में. Next point is industry. The contribution of industrial sector in employment and national income has increased over time. However, India is called a completely industrialized nation from the development criteria. So, India का जो industrial sector का contribution है वो employment और national income में काफी बढ़ गया है. The share of industrial sector in employment was 10.7%
10.6% in 1950-51, which increased to 18.2% in 2001 and further to 24.3% in 2011 and 12. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन 10.6% था 1950 और 51 के पीरियड में, जो बाद में बढ़ के 18.2% तक का हो गया था 2001 में, और बाद में आगे जाके 24.3% तक बढ़ गया था 2011 और 12 में. Its share in national income was 16.6% in 1950-51 and was 26% in 2013 and 2014. तो जो नेशनल इनकम में इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर था वो 16.6% था 1950-51 के टाइम पीरियड में, जो बाद में बढ़ के 26% तक पहुंच गया था 2013 और 14 में. बिसाइड द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट 2/3 ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग इन द प्रेजेंट टाइम. इसके अलावा जो एक्सपोर्ट अर्निंग जो हमारा आता है उसमें 2/3 तक का जो प्रोपोर्शन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू आता है, यानी कि हम जो भी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 2/3 तक का है. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कनेक्टेड टू अदर सेक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी. Hello, let us start with the point that is related with service sector. So, the share of service sector in employment in 1951 was 17.3%, in 2001 it was 25.2%, and in 2011 and 12 it was 27%. तो सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में जितना कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है जो 1951 में 17.3% है, 2001 में 25.2% है और 2011 और 12 में 27% तक का है. द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम इन 1951 वाज 30.3%, इन 1980-81 इट वाज 38%, एंड इन 2000 and 2001 इट वाज 50.4%. In 2014 and 15, it was 52.7%. तो जो भी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का नेशनल इनकम में है वो 1951 में 30.3% था, 1980 और 81 में 38% था और 2000 और 2001 में 50.4% था, जो 2014 और 15 में बढ़ के 52.7% तक हो गया था. Such increasing share of service sector shows that India is moving fast on the path of growth and development. तो ये जो contribution जो है service sector का जो employment और national income के sector में बढ़ रहा है, इससे आप ये कह सकते हो कि India जो है वो fast way से growth और development को achieve कर रहा है. Now, fifth point is related to population growth. The growth rate of population in India has characterized with lower development. There has been an average annual increase of 1.5% in population after independence, and it signifies population explosion. तो इंडिया में जो हर साल में 1.5% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जो पॉपुलेशन से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से जुड़ा हुआ सिनेरियो क्रिएट कर रहा है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1901 वाज 23.84 करोड़, विच इंक्रीज टू 36.1 करोड़ इन 1951 and 102.7 crore in 2001 and further to 121.02 crores in 2011. तो यहाँ पे अलग अलग ईयर्स में पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है वो आपको प्रेजेंट किया गया है. तो 1901 में 23.84 करोड़ था, जो 2011 तक 121.02 करोड़ तक पहुँच गया था हमारा पॉपुलेशन. Such high growth rate of population has remained a matter of concern. तो इस तरह का high growth rate जो population का जो हमारे इंडिया में हो रहा है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है.
Next point is related to poverty. Indian economy is characterized by high level of absolute poverty. यहाँ पे हमारे इंडियन इकोनॉमी में हमें ज्यादातर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है. थ्रू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइंड ओवर इयर्स, इट इज स्टिल कंसिडर्ड हाई. वैसे तो कुछ गिरावट आई है उस पॉपुलेशन में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, यानी कि जो पॉवर्टी जो बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड होते हैं उस पॉपुलेशन में कुछ गिरावट आई तो है, लेकिन वो अब भी ज्यादा है. इन 1973 to 74 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन वॉज 54.9% विच डिक्लाइन टू 45.3%. तो 1973 में वो जो पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड होता था वो 54.9% था, जो बाद में गिर के 45.3% तक हो गया 1993 और 1994 में, टू 37.2% इन 2004 and 2005 एंड फर्दर टू 21.9% इन 2011 and 2012. इसमें जो पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड होता था वो 37.2% तक पहुंच गया था 2004 और 2005 में, और वो बाद में घट के 21.9% तक हो गया था 2011 और 2012 में. सो दिस इज ऑल्सो शोइंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. Okay everyone, so let us continue with the point that is about unemployment. Structural unemployment constitutes significant proportion of unemployment in India. In 1951, 33 lakhs of people were unemployed. हमारे इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादातर प्रोपोर्शन जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का है, और 1951 में 33 लाख जितना पॉपुलेशन जो था वो अनएम्प्लॉयड था. अकॉर्डिंग टू NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन 1999 to 2000 7.31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड, विच इंक्रीज टू 8.2% इन द ईयर 2004 and 2005. तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1999 से 2000 के टाइम पीरियड में 7.31% जो टोटल पॉपुलेशन था वो अनएम्प्लॉयड था, जो बाद में बढ़ के 8.2% तक, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो 8.2% तक बढ़ गया था 2004 और 5 में. However, this decreased to 6.6% in 2009 and 2010 and further to 5.6 in 2011 and 2012. ये जो proportion है वो 2009 और 2010 में 6.6 से decrease हुआ था, और 2011 और 2012 में 5.6 से decrease हुआ था. In the rural area, the proportion of disguised unemployment is higher. Disguised unemployment cannot be exactly measured. रूरल एरियाज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, यानी कि इसे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो दिस वॉज द रिपोर्ट और दिस वॉज द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. So various human development index is measured by indicators like average life expectancy, literacy, gender ratio, infant mortality rate and so on, show that India stands lower in human development. तो human development index के कई सारे indicators होते हैं, जैसे कि average life expectancy, इलिटरेसी, जेंडर रेशियो, इन्फेंट मोर्टालिटी, इन चीज़ों के बेस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, और इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो HDI जो है वो काफ़ी लोअर रैंक पे है, यानी कि इंडिया HDI के रिपोर्ट के हिसाब से काफ़ी लो रैंकिंग कंट्रीज में इंक्लूड होता है.
जिनका HDI उतना, यानी जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता। वन सच इंडेक्स इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडियाज HDI इन 2000 वाज 0.463, इन 2010 0.547, 2012 it was 0.554, and in 2030 0.586। तो यहाँ पे HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अलग अलग ईयर से रिलेटेड आपको प्रेजेंट किया गया है। दिस मेजर्स ऑन HDI आर कंसिडर्ड वेरी लो एंड इन 2013 इंडिया रैंक वाज 136 इन लिस्ट ऑफ 187 कंट्रीज विच इज ऑब्वियसली वेरी लो। तो इन इन नंबर्स को देखते हुए आप ये कंसिडर कर सकते हो कि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो काफ़ी लो था, वो काफ़ी नीचे था। इंडिया का HDI 2013 में 0.586 था और उसका रैंक जो है वो 136 था 187 कंट्रीज में से, जो ऑब्वियसली काफ़ी नीचे का रैंक होता है और इस वजह से इंडिया को काफ़ी लोअर रैंक मिला है ह्यूमन डेवलपमेंट में। यानी कि इंडिया उन कंट्रीज में से इंक्लूड होती है, उन कंट्रीज में से कंसिडर कर की जाती है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी नीचे है। ओके okay.